वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। जय माता रानी। और आप सब कैसे हैं? मैं डोसा बनाने वाली हूँ। तो मेरी एक साउथ इंडियन फ्रेंड है, उसने मुझे सिखाया कि मैं उनके जब घर गई थी तो उन्होंने मैंने वो जब जैसे डोसा बना रहे थे ना, मैं उनका डोसा को फॉलो करी। तो ये एक आलू का टुकड़ा है। इस आलू के टुकड़े को देखिए, ऑयल भी मैंने कितना कम लिया हुआ प्लेट में। तो बस ऐसा करना है और इसको ना, इस पर ना आराम से, ये देखिए ऐसे ऐसे, बस कहीं पे भी ऑयल दिखा नहीं दिखा आपको। और ये मेरा है डोसा का बैटर। और देखिए फ्रेंड, अभी देखिए ये जो डोसा का बैटर है कितना इजीली, देखिए डोसा उसमें लगा रही हूँ और देखिए मेरा डोसा बन गया। और निकलते समय भी देखिएगा कितना स्मूथली निकलेगा, कम ऑयल में बिना चिपके इतना अच्छा से डोसा निकलेगा ना, माने आप विश्वास नहीं करिएगा। मैं हमेशा ना नॉनस्टिक का तवा में बनाती हूँ, पर आपको दिखाने के लिए आज मैं आयरन का तवा में बना रही हूँ। पहले मुझसे नहीं बनता था। देखिए कितना कम ऑयल में, आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती थी। मैं हमेशा नॉनस्टिक का ही तवा में बनाती थी, पर अभी मैं आयरन का तवा में बना रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अभी मैं धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ। तो देखिए कितना इजीली मैं भी बना पा रही हूँ। तो देखिए और कितना आराम से निकल भी जाता है, देखिए बिना चिपके। अभी देखिए नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और देखिए कितना इजीली निकल भी जा रहा है, कहीं चिपक भी नहीं रहा है। देखिए देखिए कहीं चिपका नहीं चिपका और निकल भी गया। और इतना सॉफ्ट बनता है ना, देखिए एक एक करके कितना सारा डोसा बन भी गया। तो ऐसा ना फ्रेंड, आप भी बनाइएगा एक एक करके। देखिए कितना सारा बन गया कम ऑयल में, बिना नॉनस्टिक का तवा में, आयरन का तवा में आप बना सकते हैं घर में। तो ऐसे करके बनाइएगा और इंजॉय करिएगा, पूरा रूई के जैसा डोसा बनता है घर में। तो इंजॉय करिएगा, बनाइएगा, खाइएगा। बोलते हैं कि नॉनस्टिक का तवा में ही बनता है, नहीं तो चिपक जाता है, ऐसे बोलने वाली बात है। पहले हमारे दादी सब कैसे बनाते थे, लोहे का तवा में बनाते थे ना। तो अभी भी बनता है, लोहे का तवा में ही बनता है, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वही बात है, मैंने भी सीखा, तो बस मैं भी आपको सिखा रही हूँ। तो देखिए बिना नॉनस्टिक का तवा में कैसे हम बनाते हैं और बिना चिपके, देखिए, और कम ऑयल में, एक भी ऑयल नहीं, देखिए, और दिख भी नहीं रहा है ऑयल। और देखिए कितना इजीली फट से निकल जा रहा है। तो फ्रेंड आप भी ऐसे घर में बनाइए, एंजॉय करिए और खाइए, रुई के जैसा पूरा डोसा बनता है। तो फ्रेंड और कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आज ना पूरा साउथ इंडियन थाली बनाई हूँ। देखिए क्या नाम है मैडम का? प्रीति चंदोलिया मैम। क्या क्या है तन्वी? इसमें है डोसा, ये आलू का वो सब्जी, क्या बोलते हैं इसको, आलू मसाला। हाँ, आलू मसाला, सॉस, चटनी और दही। खा के बताइए कैसा लग रहा है। ये जो न्यू थाली लेके आए हैं उसका ओपनिंग हो चुका है एक दो बार। बताओ खा के कैसा लग रहा है तुम्हें? बापरे, कैसा लग रहा है? अच्छा, अपना वाला ग्लास भी लेके बैठ गई है, बापरे। पहले खाना तो खाइए। अपना भी दे दी कैसा लग रहा है? पर कैसा लग रहा है? टेस्ट नहीं है तो खाना तो क्या पूछूंगी? आप खाना खा रहे हैं तो खाना ना पूछूंगी मैं। कभी तो यार तारीफ करते, इतना मेहनत से बनाती हूँ। और सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है डोसा? सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? मैगी के जैसा सॉफ्ट।
मैगी कैसे कर दिया मैगी? आज मैगी को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाई हूँ। नो नो नो, उसका कान वान सारा साफ करी हूँ आज मैं। उसका कान हो गया, कितना गंदा था, सब साफ कर दिया मैगी का सारा अच्छे से पूरा। आज मैगी शैम्पू से नहाया ना बेटो मेरा मैगू बच्चा। अभी दही चावल खा के मैगू सोया है। लो लो जा बेटा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है, जय माता रानी। तो फ्रेंड, आज हम फिर वीकेंड का टाइम है, सैटरडे संडे मौका मिलता है कहीं बाहर जाने को, तो आज हम फिर से मूवी देखने जा रहे हैं, रक्षाबंधन। मुझे बहुत मन था ये पिक्चर देखने का। तो मैं मेरे तो खराब था उसके बारे में तो बता दीजिए। हाँ रहने दो, तबीयत खराब तो होते रहता है, पर माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए मूवी भी देखना। तबीयत भी जो खराब बहुत हो गया था तो काफी मेडिसिन ली, इसलिए इधर इधर देख के बोलो। मेडिसिन ली इसको, फिर हॉस्पिटल लेके गया था, बीच में मेडिसिन खाई तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। तो अंदर में रह रहे के अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बोला चलो ठीक है, थोड़ा घुमा के नहीं आता। तो फ्रेंड, कार में ही हूँ इसलिए ज़्यादा हिल रहा है कार, और हम जा रहे हैं मूवी देखने। और सर मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो आपको रेगुलर नहीं भेज पाती हूँ। मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रहता है, पर मैं हस्बैंड को बोली चलिए थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, बोल के अभी हम पिक्चर देखने जा रहे हैं रक्षाबंधन। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मन था रक्षाबंधन देखने का, तो बस हम जा रहे हैं रक्षाबंधन। तो फ्रेंड, ये पिक्चर ना जब हम लोग देख रहे थे ना, सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मेरे हस्बैंड भी इमोशनल हो गए थे, मैं भी इमोशनल हो गई थी। हम लोग पिक्चर हॉल में ना रोने लगे थे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं तो अपने भाई को याद करने लग गई थी। मेरा भाई है फ्रेंड, सच में वो बहुत बहुत अच्छा है। मैं तो मतलब कि मैं जब भी कुछ भी प्रॉब्लम में होती हूँ ना, तो मेरा भाई सच में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है मुझे। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं हमेशा मेरे भाई को याद करती हूँ, और वो सॉल्व भी करता है मेरा प्रॉब्लम। और मेरा जब भी प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने भाई को बोलती हूँ, तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व भी करता है। मेरा प्रॉब्लम को मैं उसे बताती भी हूँ। तो यही तो होता है फ्रेंड, हम भाई बहन एक दूसरे के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। सच में फ्रेंड, मैंने भाई बहन होना बहुत ज़रूरी है। और इस पिक्चर में ना, मैंने जो भाई बहन का बॉन्डिंग दिखाया गया है ना, बहुत अच्छा दिखाया गया है। आप लोग एक बार जाइए और इस पिक्चर को देख के आइए, बहुत अच्छा मैंने भाई बहन का जो बॉन्डिंग दिखाया गया है ना, ये जो अक्षय कुमार के साथ जो उनका बहन लोग का जो रिश्ता दिखाया गया है, बहुत अच्छा दिखाया गया है। और मेरा भाई के साथ जो मेरा जो बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा है फ्रेंड। सच में भगवान ने जो मेरे भाई के साथ जो मेरा बॉन्डिंग दिया है, बहुत अच्छा दिया है। मैं तो भगवान को प्रे करूँगी हर जन्म में, मुझे मेरा यही भाई देना भगवान। सच में लाखों में मुझे भगवान ने मेरा भाई दिया है, हर जन्म में मैं तो भगवान को प्रे करूँगी कि मुझे यही भाई मिले भगवान। और भगवान को बोलूँगी कि सच में भाई बहन का रिश्ता भगवान हमेशा बना के रखना। सच में बहुत मन अनमोल होता है भाई बहन का रिश्ता। और मेरा भाई भी मुझे बहुत प्यार करता है, हर प्रॉब्लम मेरा समझता है। दुनिया का मैंने लोगों का ट्रस्ट एक तरफ फ्रेंड, पर मेरा भाई मुझे बहुत ट्रस्ट करता है। मैंने लोग मुझे समझे ना समझे, पर मेरा भाई मुझे समझता है। तो फ्रेंड, बस यही था, जब मैं ये पिक्चर देखी ना, तो मैं पूरा मैंने पिक्चर हॉल में मैं अपने भाई को ही याद कर रही थी। बस हम लोग पिक्चर देख के आ जाने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, हम लोग वहीं से खाना वाना पैक करा के लेके आ गए थे। और हम लोग जब घर आ गए, और जब फ्रेंड हम घर में एंट्री किए ना, तो देखी मैं ना सारा घर का स्विच ऑफ करके चले गई थी, घर पूरा लाइट ऑफ था। तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि मैं मैगी को अंधेरे में छोड़ के चली गई थी। फिर आप देखिए क्या हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा, मैं मैगी को अंधेरे में छोड़ के चली गई थी। इसके चक्कर में मेरा बंद भी हो गया। बंद नहीं,
तुम लोग समझ गए? देख लिया मेरे पास आता नहीं है ईमान। लाइट ऑन है पूरा घर का। पकड़ो पापा। आधा थोड़ा सा पानी पिया। देखो कोई नुकसान नहीं किया है ना। तो फ्रेंड ये ना दूसरे दिन तन्वी देखे मैगी सुबह सुबह कैसे तन्वी और मैगी कैसे खेल रहे हैं। तो मैं देखे उसका सूट करके आप लोग के साथ शेयर कर दी दोनों कैसे खेल रहे थे। करता है मैगी ना तन्वी। अरे तन्वी नहीं रहने से ना पूरा शांत रहता है मैगी। और तन्वी रहने से मैगी छोड़ दो मैगी। वो खेल रहा है तन्वी के साथ। मैगी ये देख उधर भगवान है बेटा छोड़ दो मैगी। छोड़ छोड़ छोड़